वारिस पंजाब दी जथेबंदी खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई का अज 13वां दिन है। 12वें दिन उदों सारे हक्के बक्के रह गए जदों वारिस पंजाब दी जथेबंदी दे नौजवान लीडर अमृतपाल सिंह दुनिया के सामने आए वीडियो संदेश जारी किया अते दावा किया कि वह बिल्कुल ठीक ठाक ने, चढ़दी कला दे विच ने, पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने, कोई उन्हां दा वाल विंगा नहीं कर सकिया। पंजाब पुलिस दे वल्लों कीती जा रही कार्रवाई की सख्त निखेधी करदिआं अमृतपाल ने श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार नूं विसाखी मौके सरबत खालसा सद्दण दी वी अपील कीती अते नाल ही दस दिता कि उह सरेंडर नहीं करनगे। समझिआ पंजाब दे विच की वापरिआ, जो जुलम दी हद पंजाब दी सरकार ने टप्पी है, जिवें सिख नौजवानां नूं उन्हां ने दोषी बणा के जेलां च सुट्टिआ, जिवें उन्हां ने औरतां बीबियां बच्चियां किसे नूं नहीं बख्शिआ, उन्होंने अपाहज नौजवानों नू जिहड़ा है वह दोषी बना के जेलां सुट दिता है। ये उही काम है जिहड़ा किसे समय बेंतरी सरकार ने पंजाब दे सिखां नाल कीता सी। सो दुनिया भर दे विच रोस मुजारे होए, पहलां तो सारिया संगतां दा मैं तह दिलों धन्नवाद करदा जिन्हां ने मेरी गिरफ़्तारी, उन्होंने लगा सी गिरफ़्तारी हो गई है जां किसी भी संबंध दे विच उन्होंने रोस मुजारे किए, सारिया संगतां दा धन्नवाद है जिन्होंने मोर्चे लाए, जिन्होंने गिरफ़्तारियां दित्तियां। जे सरकार की मंशा केवल गिरफ़्तारी की होंगी तो सरकार सानू करवा के गिरफ़्तार करने लिए कहती तो असी गिरफ़्तारी दे देंगे, पर सरकार ने जिहड़ा रवैया अपनाया उन्होंने लखां की फोर्स ला के घेरा पा के जिहड़ा गिरफ़्तार करने की कोशिश की, उस घेरे च सतगुरु सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा करके सानू कढ़िया। बाकी जिहड़ी गिरफ़्तारी की गल है वह सतगुरु सच्चे पातशाह दे हत्थ है, मैं चढ़दी कला च हाँ, कोई मेरा वाल विंगा नहीं कर सकिया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बिखड़े पैंडे तोरिया, प्रीख्या ली है, पर उस मालिक ने चोजी प्रीतम ने बहुत साथ दिता है, ऐसा उन्हें मेहर कृपा की है कि जिहड़ी बयान तो बाहर है एडे वड्डे घेरे तो निकल जाना यह बड़ी वड्डी दयानदारी सी सतगुरु सच्चे पातशाह दी। वेले दे उत्ते सरबत खालसा सद्या जाए, मैं सिख संगतां नूं अपील करदा देशां विदेशां दे विच्चों जिथे जिथे भी सिख संगतां बैठियां ने वह वध चढ़ के सरबत खालसा जिहड़ा विसाखी ते होवे उहदे च हिस्सा पाउण ते उत्थे साडे कौम दे मसलिआं दी गलबात होवे, क्योंकि बहुत लंबे समें तों साडी जिहड़ी कौम है वो वक् वक् मसलों के छोटे मोटे मोर्चे ला के उलझ रही है। सो सानू यह चाहिए भी जे असी पंजाब के मसले हल कराने हैं, जे फड़ो फड़ाई की गए नौजवान असी छुड़ाने हैं, जिहड़ा हुकूमत ने धक्का किया प्रधानमंत्री बाजे के वर्गे सधारण सिखां दे उत्ते, क्योंकि उन्हें खंडे बाटी की पॉलिश की सिर्फ इस करके उन्होंने NSA ला के आसाम भेजिया, मेरे होर संगियां साथियों आसाम भेजा गया, होरना फड़ के जेलों च तुनिया गया। सो इस करके सारा जुल्म है, ये सानू पता तो है भी जिस मार्ग से असं तुरे हाँ उत्थे सारा कुछ सानू सहना पैना, पर ये खिलाफ आवाज़ चुकनी साडा कौमी फर्ज है, क्योंकि जिहड़े आपां जथेदार साहब ने कहा कि आपां बहीरां कढ़ांगे पिंडां च जाके लोगों नूं जागरूक करांगे, मेरी जथेदार साहब नूं बेनती है भी लोग बहुत जागरूक ने, लोगों के मन च जिहड़ा हुकूमत ने पै खड़ा किया इहनूं तोड़न वास्ते जरूरी है कि जथेदार साहब अगे आ के आप इस सारे कासे की अगवाई करन, होरना समूह सिख जथेबंदियां चाहे वह दल पंथ होण, संप्रदावां होण, टकसालां होण, जिहड़ियां भी सिख जथेबंदियां हैगियां ने उन्हां नूं मेरी अपील है भी वह भी इस सरबत खालसे च वध चढ़ के हिस्सा पाउण। मैं संगतां नूं अपील करदा जी, जथेदार साहब ने एक मुलाकात सदी सी उस च एक फैसला होया, सरकार नूं 24 घंटे का अल्टीमेटम जिहड़ा सी जथेदार साहब ने दिता है, पर सरकार ने अगों अकाल तख्त साहिब दी होंद हस्ती नूं जिहड़ा है वह चैलेंज करदिआं एक टीचर कीती है जिहड़ी बहुत ही नीवें पद्धर दी है। सो मैनूं ऐ लगदा है भी जथेदार साहब नूं हुण इस मसले दे उत्ते बहुत सख्त स्टैंड लैणा चाहीदा। हालांकि कल पूरा दिन अमृतपाल सिंह दे सरेंडर दीआं खबरां चलदियां रहियां। पंजाब दे विच सुभा इमान तिन्ने जिहड़े सिख कौम दे तख्त ने अमृतसर, आनंदपुर साहिब ते तलवंडी साबो, इत्थे वड्डी गिणती दे विच पुलिस फोर्सां दे नाल नाल सुरक्षा बल तैनात कीते गए। पर शाम नूं जदों अमृतपाल सिंह दी वीडियो दुनिया दे सामने आई तां सारी तैयारी धरी धराई रह गई। हालांकि कुछ लोगों दे वल्लों अमृतपाल सिंह दे वीडियो ते शंका जताया जा रहा है, भांत भांत दीआं गल्लां हो रहीआं ने, पर अमृतपाल दी इस वीडियो दे सामने आउण नाल पंजाब पुलिस तंत्र दे उत्ते वड्डे सवाल खड़े हुंदे ने। पुलिस दे खुफिया तंत्र ते वड्डे सवाल खड़े हुंदे ने, पुलिस दी कारगुजारी ते भी सवाल खड़े हुंदे ने, इत्थों तक कि पिछले दिनां दे विच मीडिया दी जो भूमिका रही है उस ते भी वड्डा सवालिया जिहड़ा निशान है वह लगदा है। लोकां दे अंदर मीडिया दी भरोसे योग्यता नूं भी वड्डी ढा पिछले दिनां दे विच जो कुछ वापरिया है, भांत भांत दीआं रंग बिरंगीआं खबरां चलीआं ने उस दे नाल जरूर लगी है।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 751 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 360 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 348 ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ NSA ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 348 ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 12 ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਬਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।